आज हम प्योर सिंधी डिश बनाने वाले हैं। सिंधियों में ये बहुत पॉपुलर है। इसे कहते हैं दाल पकवान। देखिए पकवान कितना क्रिस्पी है। मैंने ये डिश बचपन से खाई है और मैं इसको कई सालों से बनाती भी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और आप इसको एक बार बनाएंगे तो गारंटी है कि बार बार बनाएंगे। दाल बनाने के लिए चने की दाल को हमने लगभग आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हमने उसको निकाल लिया है। कुकर में इसको डाल देंगे। एक कप दाल है तो लगभग 1.5 कप पानी डाल देंगे इसमें और इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और एक हरी मिर्ची डाल देंगे। कुकर को बंद कर देंगे और लगभग 3 सीटी लगाकर थोड़ी देर सिम पर रख के गैस बंद करने के बाद जब ये अपने आप कुकर खुलेगा तब खोल लेंगे। पकवान बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा और उसमें डालेंगे अजवाइन और डालेंगे खसखस और डालेंगे नमक। सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। आप इनको बना के रख भी सकते हैं 1 हफ्ते तक, लगभग ये खराब भी नहीं होंगे। जब भी आपको दाल बनाना हो बना के आप पहले के बनाए हुए पकवान यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। ये पकवान आप बना के रखें, इसको आप चाय के साथ खाएंगे तो बढ़िया चाय नाश्ता हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे मोयन, 4 चम्मच तेल डालेंगे इसमें, क्योंकि पकवान को क्रिस्पी बनाना है तो ऑयल तो इसमें जाएगा ही। बस अब आप इसको आटे की तरह गूंद लीजिए, जितना पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा लेते जाइए। हम इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर, हल्का सा पानी लगाकर इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। दाल पकवान में या तो आमचूर या तो इमली की चटनी बनती ही है। इसके लिए हमने इमली को भिगो के रखा था और उसका गूदा हमने निकाल लिया है, छान भी लिया है। अब एक पैन में हम गरम कर लेते हैं इसको। अब हम इससे बनाएंगे इमली की चटनी, जिसके लिए थोड़ा डाला है नमक हमने और डालेंगे इसमें अजवाइन ताकि नुकसान ना करे आपको चटनी, और डालेंगे हींग और इसको उबाल लेंगे अच्छे से। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सिंधी डिशेस में थोड़ा चटपटापन तो होता ही है, जो ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं। दाल को चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इमली की चटनी बहुत जरूरी है इस डिश में। इमली की चटनी उबल चुकी है, उसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, निकाल के रख देंगे और सर्व करते समय इसको यूज करेंगे। पकवान बनाने के लिए हमने पैन में ऑयल ले लिया है। जब तक तेल गर्म हो, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और फिर से इसको बहुत अच्छे से मल लेंगे।
अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी की तरह इसको बेल लेंगे पर थोड़ा सा पतला रखेंगे ताकि पकवान पतले और क्रिस्पी बने। हम पकवान बना रहे हैं इसलिए ये पूरी की तरह फूलना नहीं चाहिए। अगर ये पूरी की तरह फूल जाएगा तो क्रिस्पी नहीं रहेगा और हमें चाहिए एकदम क्रिस्पी पकवान। और इसके लिए हम इसको बेलने के बाद इसमें कांटे से छोटे छोटे छेद भी कर देंगे। देखिए हमने कितना पतला बेला है इसको। अब इसमें कांटे की मदद से इस तरह से छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। और हम इसी तरह बाकी के पकवान भी बेल लेंगे और छुरी या फॉर्क की मदद से उनमें छोटे छोटे छेद कर देंगे। देखिए हमने बाकी के पकवान भी बेल के छेद कर लिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मीडियम आंच करेंगे और उसमें पकवान को डाल के तल लेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। पकवान को अलट पलट करते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक उसको अच्छे से तलेंगे। पकवान को स्टोर करने के लिए उसको तलने के बाद ठंडा करें और उसके बाद उसको एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें। कर सकते हैं कि जब भी आपके यहाँ मेहमान आए या आपको ब्रेकफास्ट में जैसे ये डिश बनानी हो तो आप रात को पकवान बना के रखें और सुबह फिर सिर्फ दाल बना लें और सर्व कर दें। अभी बहुत ही डिलीशियस पकवान तैयार हो चुके हैं। आइए अब दाल को देखते हैं। दाल हमारी बन चुकी है, बस इसको चम्मच से चला लेंगे क्योंकि ये गल चुकी है। अब न दाल को हमको ग्राइंडर चलाना है न मिक्सर, कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसको चम्मच से अच्छे से एक दूसरे से मिला लें। दाल की कंसिस्टेंसी जैसी दिख रही है बिल्कुल वैसा ही रखना है। क्योंकि चने की दाल थोड़ी देर रखने पर ही थोड़ा सा गाढ़ापन लेती है इसलिए हमको कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। अब हम दाल को एक बाउल में डाल देंगे। दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हम लगाएंगे सिंधी तड़का। पैन में हम सबसे पहले डालेंगे घी और उसमें डालेंगे लाल खड़ी मिर्ची और डालेंगे राई दाना, और राई दाना चिटक जाए तो डालेंगे जीरा, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप कच्ची भी डाल सकते हैं, हमने इसको हल्का सा फ्राई किया है। अब डालेंगे एक कटी हुई प्याज जिसको ज्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ आधे मिनट तक इसको चला लेंगे। लगातार इसको थोड़ा चला लेंगे। डालेंगे थोड़ी सी हींग, बस उतारने से पहले इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इस
इस तड़के से दाल का स्वाद दुगना हो जाएगा। अब हम दाल को सर्व करेंगे। अब हम डालेंगे दाल में सबसे पहले इमली की चटनी, और डालेंगे तड़के वाला मसाला। पर आप जब भी इसको सर्व करें तो इसके ऊपर आप कच्ची प्याज काट के जरूर डालें। कच्चे प्याज से टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और हमने डाला है बारीक कटा हुआ पुदीना। अब तैयार है हमारा स्वादिष्ट दाल पकवान।